मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हमारे बीच है माल बाजार मंदिर के पंडित जी श्री अनिल शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे सूतक के बारे में और ग्रह सूर्य ग्रहण के बारे में और इसके अलावा और भी तमाम पूजा पाठ के विधि व्यवहार के बारे में। तो ये पंडित जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार, ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी मेरा नाम शुभ नाम अनिल कुमार शास्त्री है जी। तो हमें कृपया ये बताइए कि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये किस तारीख से लग रहा है? सूर्य ग्रहण अपना 25 तारीख से लग रहा है। 25 तारीख को सुबह 4:31 पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले हम लोग मानते हैं, और सूर्य ग्रहण का जो मोक्ष है वो शाम को 5:31 पर शुद्ध होगा। सूर्य ग्रहण के अंदर में जितना भी हो सके घर में बैठ के अपना पूजा पाठ करें, ठीक है। और जैसे कि नौजवान और जो युवा है, अगर वह उपवास अगर कर सकते हैं तो उपवास करें, और वृद्ध आदमियों के लिए रोगियों के लिए भोजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिन में भोजन कर सकते हैं। जो युवा अवस्था है वो मेरा मानना यही है कि सभी इसमें व्रत धारण करें, जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। अच्छा, ये सूतक का क्या अर्थ है? सूतक का अर्थ सूतक लगता है 12 घंटे पहले सूतक लगता है, और सूतक का अर्थ होता है अमंगल, ठीक है। तो अमंगल में जैसे कि जन्म काल या ग्रहण काल या फिर स्त्री के मासिक जो महीने में जो होता है, और जो किसी की मृत्यु हो जाना, वैसे सूतक में सब आता है। तो सूतक में अशुद्धि ही आदमी रहता है, और जितना हो सके सूतक के अंदर में पूजा पाठ करे अति उत्तम रहता है उसके लिए। तो ये सूतक लगभग 12 घंटा पहले लग जाता है ना? 12 घंटे पहले लग जाता है सूतक आपका। तो क्या ये पूजा पाठ क्या लगातार 12 घंटा करना होता है? अगर 12 घंटे अगर नहीं कर सकते, जितना भी आपको दिन में टाइम मिले उतना आप पूजा पाठ करें। तो वास्तव में तो ये सूतक जो है वो तो सुबह 4:30 भोर से लग जा रहा है ना, सूर्य ग्रहण के पहले। तो वैसे स्थिति में क्या रात को ही सारा रात क्या पूजा करना पड़ेगा यजमानों को, या किसी एक क्षण करना है? सारी रात की आवश्यकता नहीं है, आप दिन में नहा धो के अपना एक जगह आसन ग्रहण करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन करना है, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना आप पूजा पाठ करिए जी। अच्छा, ये ग्रहण का विशेष क्या अर्थ होता है? ये ग्रहण आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और ये इस वर्ष काफ़ी बार सुनने को मिला, और ये अंतिम वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है ये, तो इसका क्या अर्थ है? अंतिम नहीं है, अब इसके बाद में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ये इस साल के अंदर में जो पूर्णिमा को जो आने वाला है वो चंद्र ग्रहण भी आपके बार। अच्छा, उस समय क्या विधि व्यवहार करना होगा? उस समय भी यही विधि विधान रहेगा, पूर्णिमा को आने वाला जो ग्रहण है उस समय भी आपको जो अभी जो नियम करेंगे उसी नियम के अनुसार आपको जो स्त्री है जो गर्भावस्था में है उनको और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, किस तारीख को लग रहा है? चंद्र ग्रहण है आपका 8 नवंबर को लग रहा है, जो कि पूर्णिमा तिथि है उस दिन। उस दिन भी आपको यही जो नियम रहेंगे जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये गोवर्धन पूजा के बारे में भी थोड़ा बताइए, इसके बाद तो गोवर्धन पूजा ही पड़ता है ना? सब इससे पहले आएगा आपका दिवाली पूजा जी, ठीक है। 24 तारीख को दिवाली पूजा होगा, और जो दिवाली पूजा के एक दिन बाद में गोवर्धन की पूजा होती है, इस कारण से ग्रहण होने के कारण से गोवर्धन पूजा आपका 26 तारीख को मनाया जाएगा। 25 तारीख को कोई त्यौहार नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है इसमें। इसमें और कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? और विशेष आपको बता दिया है, जो विशेष जो देने के लिए और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री श्याम।